दोस्तों नमस्कार, स्टेट जॉब लाइन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की एग्जाम कब होगी? जी हां दोस्तों, कांस्टेबल भर्ती एग्जाम डेट 2020। चले दोस्तों, जो आपके मन में डाउट है दूर करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों क्या आपने राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की एग्जाम दी थी? अगर हाँ तो आपके कितने नंबर आए थे, ये बात कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। राजस्थान पुलिस भर्ती के आगे पल पल के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आगे भी इससे जुड़ी पल पल की अपडेट और सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों सबसे पहले आपको पिछली भर्ती के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। पिछली भर्ती यानी 2018 वाली कांस्टेबल भर्ती में आपके फॉर्म 25 मई से लेकर 14 जून तक भरवाए गए थे। 25 मई 2018 से फॉर्म शुरू हुए और 14 जून को खत्म हुए और एग्जाम स्टार्ट हुई 14 जुलाई को, यानी कि ठीक एक मंथ बाद में। जैसे फॉर्म खत्म हुए एक मंथ बाद में एग्जाम स्टार्ट हो गई थी। अब दोस्तों इस बार के एग्जाम डेट की बात करते हैं कि आपके एग्जाम कब होने वाली है। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। दोस्तों आपके पास बहुत कम समय बचा है तैयारी के लिए, तो हमारी टीम ने आपके लिए तैयार की एक जबरदस्त ई बुक राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए, इंडिया जीके जनरल साइंस, राजस्थान जीके कंप्यूटर और महिलाओं में बच्चों के विरुद्ध अपराध, जो कि नया जोड़ा गया है। इन सभी पार्ट्स के 7,500 से भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है, अभी से डाउनलोड कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसमें पिछली भर्ती के पेपर भी आपको दिए गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस बार की एग्जाम डेट की, तो ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर 4 दिसंबर को आया था राजस्थान पुलिस की वेबसाइट के ऊपर, अभी भी आपको मिल जाएगा। यहां पर पहले पेज में तीसरे नंबर का पैराग्राफ के ऊपर गौर कीजिए। कांस्टेबल सामान्य चालक अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया से होगी, यानी कि ओएमआर आधारित आपकी परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा दोस्तों इस बार नहीं है। दोस्तों अगर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी किसी किसी में डाउट हो तो डाउनलोड कीजिए डाउट एंड टाइप, क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके सेंड कीजिए, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस प्रकार से आप घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और सेम यही प्रोसेस आप इनके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड करने का और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डाउट है तो डाउट एंड। इस बार दोस्तों आपके सिलेबस में टोटल 4 पार्ट हो गए हैं, ए बी सी डी। दोस्तों इस बार क्वेश्चन बढ़ गए हैं, पिछली बार 2 घंटे में 120 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार 2 घंटे में 150 क्वेश्चन हो गए हैं 75 नंबर के, तो टाइम कम पड़ने वाला है, इसलिए मॉक टेस्ट जरूर निकालना। दोस्तों एग्जाम डेट की बात की जाए तो यहां पर देखिए बताया गया कि एग्जाम आपकी फरवरी मार्च 2020 में आयोजित किए जाने की संभावना है। तो दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूंगा, फॉर्म खत्म होंगे 21 जनवरी को, तो इसके एक मंथ बाद तक तो एग्जाम स्टार्ट होना असंभव है, यानी कि फरवरी माह के अंदर तो एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगी, किसी भी हालत के अंदर नहीं होगी। अब दोस्तों आता है इसके बाद में आपका मार्च, तो दोस्तों जी हां फुल चांस है आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम है वो मार्च 2020 में आयोजित करवाई जा सकती है। अब दोस्तों मार्च में फिक्स किस तारीख को होगी ये तो बाद में जब ऑफिशियल डेट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास तैयारी के लिए जनवरी के 15 दिन और आपके पास फरवरी के 30 दिन, यानी इस प्रकार से आपके पास टोटल डेढ़ मंथ का समय है और डेढ़ मंथ के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों इस ईबुक को जरूर डाउनलोड कर लेना, जबरदस्त पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम कब होगी, उम्मीद करता हूं अब आपके मन में शायद कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों कांस्टेबल भर्ती की लाइव क्लासेज लाइन की लाइव टेस्ट भी मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं बस कुछ ही दिन में, एक दो दिन के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करवाने वाला हूं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से तैयारी करो और एग्जाम दे के आओ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।